उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। मैं इस घर को आग लगा दूंगी लेकिन इसे बिकने नहीं दूंगी। और तुम क्या चाहती हो? अगर अब वो जिंदा होते तो तब तुम लोग क्या करते? ठीक है, फिर मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तुम अपनी कन्वीनियंस के लिए दोबारा मुझे अपनी जिंदगी में ला सकते हो तो फिर उसको निकालने में क्या कबाहत है? वैसे भी वो तुम पे लायबिलिटी है। सारा घर मैं चलाती हूँ अहमद। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। तुम्हें अपने सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है और यहाँ कोमल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। पता नहीं था वो, दरअसल कायनात को कुछ जरूरी चाहिए था बाहर से, तो इसीलिए ले गया। जाओ जाकर उसे देखो, जरूरत है उसे तुम्हारी। पूछ लेता हूँ। अब कायनात बेटा तुम भी जाओ। नहीं अंकल, मैं नहीं जा सकती। क्यों? कोमल अहमद की बीवी है, वो मेरी कुछ नहीं लगती अंकल। और जहाँ तक कोमल के अब्बा का सवाल है तो अब्बा का तो मेरे भी इंतकाल हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको दफनाने के बाद अगले दिन मैं काम पे चली गई, मुझे छुट्टी नहीं मिली, ना रोने के लिए ना सिसकियों के लिए। अंकल गमों की परवरिश हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए ये सब लग्जरी थी और आज भी है। आए, मैं आपको खाना डाल देती हूँ। थैंक यू। बेटा तुमने अपना बहुत ध्यान रखना है। देखो तुम्हारी आंटी ने इतना कुछ बनाया तुम्हारे लिए, चलो शाबाश, कुछ लो। चलो शाबाश, शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कोमल, एक खुशखबरी देनी है, हमारा इमिग्रेशन होने वाला है। अच्छा, बहुत मुबारक हो। मैंने सोचा है खबर सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। अब मैं ये मुल्क छोड़कर जाने वाली हूँ। तुम चली जाओगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं सबके साथ खाना खा रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ कोमल? भाभी क्या हुआ है, बताओ ना क्या हुआ है। मैं हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रही हूँ। फिर क्या जरूरत है हीरा को जाने की? जाने कैसे लोग हैं, माँ बाप का कफन अभी तक मैला नहीं हुआ। और बहन है भाई, बहने ऐसे करती है। मैं हीरा से बात जरूर करूंगी। खैर तुम परेशान मत हो, वो अपना घर बसा रही है, तुम अपना घर बसाओ, सुकून से रहो तुम। देखो तुम्हारी ताई जो है ना बार बार फोन करती है, अगर चाहो तो उससे मिलने चले जाओ ना। नहीं। क्यों? तो बेटा फिर क्या करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल। भाभी मत रोए ना, मैं हूँ ना आपके साथ। आपको हादिया अर्सला आप ही से बात करनी है, बताएं मुझे। नहीं चलो खैर कुछ खा लो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना डालती हूँ, तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। मेरी ताकत बनाओ, ये लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी ऐसे। चलो चलो खाओ, शाबाश। बेटा हौसला करो, हौसला। अभी घर ऑफिशियली तुम्हारा। बेटा
ये घर तुम दोनों बहनों का है, लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें मुल्क से बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारी बहन अभी किसी से नहीं संभल रही है, और तुम्हारे जाने से ये जो एक हमारे दरमियान का ब्रिज है ना, ये भी नहीं रहेगा बेटा। देखो वो बहुत परेशान है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अब तुम उसकी माँ की जगह हो बेटा। शायद इस घर के लिए यही अच्छा है कि कोमल और हादी के बीच का ब्रिज टूट जाए। हर रिश्ते की एक्सपिरेशन डेट होती है, और दवा जब एक्सपायर हो जाती है ना, तो या तो नुकसान देती है या काम ही नहीं करती। और ये फैसला वैसे भी हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो किस्मत का फैसला है। और शायद अल्लाह ने अहमद को ही कोमल के लिए चुना हो। आप ही प्लीज़ बिलावजह कोमल को आवाज़ देना थे, वो अपना फैसला कर चुकी है। हादी तो ये घर भी ले चुका है, फिर भी वो उसी घर में रहना चाहती है जहाँ मैं बैठे तक का सगुन नहीं करना चाहती। बस ये उसकी मर्जी है, कुछ नहीं हो सकता। और तुम कोमल के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। तो तुम्हें यकीन आ गया कि कोमल की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है? कि मुझे तो नहीं आ रहा। इसका मतलब है तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया। अम्मी और अब्बू जिंदा नहीं है कि वो कहीं जा सके। जितनी बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है। बेहतर है कि तुम जो भी सोच रहे हो सोचना छोड़ दो। मैं अभी वही करूंगा जो सही है। फिर आप और सही ये है कि कोमल के हिस्से के पैसे अहमद को नहीं दिए जाने चाहिए। इस बात का फैसला तुम कोमल को करने दो, क्योंकि कोमल के शौहर तुम नहीं अहमद है। ताया प्लीज इसे समझाएं, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है, मैं चलती हूँ। वो चली गई है हाथी, तुम ये मान क्यों नहीं लेते?
आहिस्ते चलाना और ध्यान से चलाना। कोमल आ गया आज। कोमल कब्रिस्तान आ गया है, जाके अपने अब्बू के कब्र पे फातिहा पढ़ लो। आप ऑफिस जाएंगी? अभी मेरे पास एक घंटा है, तुम जाओ। ठीक है। समझती क्यों नहीं, वो घर तुम्हारा नहीं है, वहां पर कोई तुम्हारा अपना नहीं है। और तुम जानती हो ना चाचा, अपनी जिंदगी में तुम्हें अहमद से अलग करना चाहते थे। मेरा तो कहीं भी कोई नहीं, ये सारे अपनी से यहां। आपकी मेहरबानी की वजह से सब जमीन के नीचे। अच्छा, लेकिन ये घर तो तुम्हारा अपना घर है ना? वो घर इनका था, ये नहीं रहे तो सब खत्म। लेकिन तुम भूल क्यों जाती हो ये बात? तुम होते कौन हो मुझे याद करवाने वाले? प्लीज यहां से जाओ, छह मियां अबू के साथ कुछ अकेले वक्त को सामने। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ए मोहब्बत, ए मोहब्बत, तुझे सीने से लगाया था कभी। कैसे तम है कि, कैसे तम है कि, कैसे तम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। कैसे तम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। लेकिन इसने उस वक्त भी अपनी मनमानी की थी और अब भी यही कह रही है कि आदि इसे लेकर आया। अब मेरा मतलब है कि ये क्या दुनिया की वाहिद लड़की है जो सौतन के साथ रहेगी और हम इसके बारे में कोई फैसला नहीं करेंगे? कैसे हो आदि? ऑफिस में नजर नहीं आए, मुझे अंदाजा है तुम्हारे काम का। ठीक कह रही हो कायनात, तुम्हें तो यकीनन लोगों के गमों का अंदाजा हो जाता है, इसलिए तुमने कोमल को अंदर अकेले जाने दिया है ना? मुझे लगा कि उसे कुछ वक्त अकेले चाहिए होगा। ओह वाओ, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। उम्मीद भी यही थी मुझे तुमसे। It's always about your convenience.
लेकिन कोमल का घर अभी सलामत है क्योंकि मैं जिंदा हूं। और हर चीज बिजनेस नहीं होती है गायना, लेकिन जाहिर है तुम तो इस बात से एग्री नहीं करोगी क्योंकि तुम जैसे लोगों की वजह से तो ये बिजनेस एम्पायर्स खड़े हुए हैं। कोमल घर चलना है मेरे साथ, असला भी है, अम्मी भी हैं, उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। अम्मी कह रही थी कोमल को बताना मैं उसे बहुत याद करती हूँ। ताई से कहना कि मुझे याद ना क्या करे, मुझे याद करने वाले अक्सर मर जाते हैं। और मैं तो फिर नहीं जानती कोमल, इन लोगों में से ना कोई भी तुम्हारा नहीं है। मैं तो खुद ही अपनी नहीं, कोई और मेरा क्या होगा। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया, ए मोहब्बत। सिला जी, क्या मसला हो गया? तुमसे एक बच्ची संभाली नहीं जा रही, बताया था ना ऑनलाइन मीटिंग थी मेरी। भाभी ये इतनी छोटी है, मुझे इसे उठाते हुए भी खौफ आता है, आप प्लीज मेड रख लें। तो अब रात के लिए भी अलग मुलाजमा रखो, दिन के लिए भी तो है ना। तुम जानती हो मैं काम करती हूँ सिला, इनफैक्ट सिर्फ मैं ही तो काम करती हूँ। ठीक है, काम भी करूंगी, बच्ची को भी संभालूंगी, सब हैंडल कर लूंगी। हेलो भाई, कितने का बिका घर? घर को छोड़ो, बस ये समझ लो कि कोमल के हिस्से में 70-80 लाख रुपए आ जाएंगे। क्या, इससे भला क्या होगा? हादी तो पूरा घर इनके नाम कर रहे हैं। कोमल भाभी की अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं, बल्कि बिल्कुल पागल हो गई हैं। आप ना हादी के साथ बनाकर रखी, क्योंकि अम्मी कह रही थी अगर कोमल भाभी उस घर में रहेंगी ना तो हम लोग भी उस घर में चले जाएंगे। आप आराम से इस घर में कायनन भाभी के साथ रहिएगा। इस वक्त ना वो लोग बहुत दुखी हैं भाई, कोमल भाभी जो कहेंगी वो मान लेंगे। हादी तो है ही नरम दिल, अरसला और ताई भी भाभी को बहुत चाहती हैं। ना बात करते हुए सांस लिया करो। अरे उससे मैं कोई बात तब करूँ ना जब वो सुने मेरी। वैसे भाई एक बात है बहुत लिखी, एक बीवी काम कर रही है, दूसरी के पास जायदाद आ रही है, क्या बात है आपकी, मान गई। चला यहाँ पानी गिर गया, मुझसे जरा साफ कर लेना। आदि से मुलाकात होगी ना? होगी। तो प्लीज एक काम करना, उससे कहना कि जैसे उसने हीरा के पैसे करा दिए हैं, कोमल ने भी फैसला कर लिया है, उसके भी पैसे करा दे। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। चाय। शुक्रिया बेटा। बेटा बात सुनना, ये हादी की बात तुम मान क्यों नहीं लेती? देखो तुम्हारे बाप का घर है और इस वक्त तो वो खुद कह रहा है कल को उसकी शादी हो गई तो पता नहीं आने वाली तुम्हारे बाप के घर का क्या हशर करे। मुझे किसी का एहसान नहीं है। बेटा वो बात ठीक है, लेकिन देखो अहमद जो है कुछ दिनों में हो सकता पैसे वापस भी कर दे। फैसला कर चुकी हूँ अंकल। सुनो वो आदि ने पैसे ट्रांसफर नहीं किए अभी तक, अब तक तो कर देना चाहिए था।
इतनी देर क्यों कर रहा है? अब तुम्हारा तो कोई बैंक अकाउंट है नहीं, इसलिए मैंने अकाउंट नंबर दिया। अभी चेक किया पर कुछ आया नहीं है उसको। अब तुम एक बार पूछ सकते हो तो पूछो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन लिया है मैंने। अरे तुम्हारे एटीट्यूड की तो समझ ही नहीं आती, तुम ही चाहती थी ना कि एक अभी भी चाहो तो अपने उसी घर में रह सकती हो तो। बल्कि मैं अम्मा और सिला को भी वहीं शिफ्ट करा दूँ। तुम भी तो यही चाहती थी ना, अपने घर में रहना चाहती थी, वो ख्वाब भी पूरा हो जाएंगे और कायनात आ रहे। लेकिन दोबारा उस घर का नाम भी मत ले, मेरे माँ बाप कब्रिस्तान में, वहां चलना है तो बोलो। और हादी के घर, उसके घर का बंटवारा हो चुका, जो तुम रोक सकते थे लेकिन तुमने नहीं रोका, तो अब ये मुफ्त के मशवरे मत दो। तुम ना एक तो तमीज से बात किया करो, और दूसरा मुझे लग रहा है दिमाग खराब होता जा रहा है तुम्हारा, पागल हो रही हो। अच्छा तो फिर क्या इरादा? देख रहे हैं आप, भी क्या देखेंगे। तो फिर क्या फैसला हो रहा है? पता नहीं, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। सुना तुम ऑफिस जा रही हो तो आदि से मुलाकात होगी ना? होगी। तो प्लीज एक काम करना, उससे कहना कि जैसे उसने हेरा के पैसे करा दिए हैं, कोमल ने भी फैसला कर लिया है, उसके भी पैसे करा दे। मैं कॉल कर रहा था उसको लेकिन वो स्टूपिड आदमी फोन नहीं उठा रहा है। कोमल ने उसे मना किया हो तो क्या प्रॉब्लम है अहमद? ये उन दोनों का मामला है, उन्हें हैंडल करने दो। तुम उससे बात करो ना, वो तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारी बात सुन लेगा। अरे हरजी क्या है, बहू हो तुम हमारी। बात कर लेना, बोलना नहीं। बाय। से तो कुछ समझ में आता नहीं है यार, पैसे आए तो मैं कारोबार शुरू करूं? पैसे आएंगे ना, अपने पास रखना। कोमल तू बेवकूफ है और ये तू बड़ी होशियार है, जरा ध्यान से। अरे मेरे लिए तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोमल बुद्धू है और ये होशियार। और वैसे भी अगर ये होशियार नहीं होती तो जॉब कैसे करती, सैलरी कहाँ से आती? अच्छा सुनो, कुछ भी हो जाए ना, हादी से मत उलझना। अरे उससे बेहतर ना रिश्ता सिला के लिए मिल नहीं सकता, हीरा है हीरा, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना? चलो दुआ करें ऐसा हो जाए। मैनेजर जी साइन इट्स मेक एमरजेंसी है, स्टे सेल्स में मुझे जाना पड़ एचआर टू मीटिंग आफ्टर सिटिंग, सो प्लीज आप सर से बात करें कंटिन्यूअस से। तुमने बात किया आदि सर? मैम मैंने बात नहीं की है, अगर आप बात कर लेंगे तो सर। थैंक यू। सारा आपकी इंटर्न लीव्स मांग लिया 4 दिन की, और हादी अब काम काफ़ी पेंडिंग है, 3 रिपोर्ट्स अभी भी बाकी है। मैंने किसी और को असाइन इसलिए नहीं की क्योंकि यह आपका काम है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बेहतर होगा कि उसकी जगह हम किसी और को हायर करें। उसकी हेल्प की जा सकती है? वक्त नहीं है मेरे पास। व्हाट्स रॉन्ग विद यू हादी? अगर आपका गुस्सा मुझ पर है इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऑफिस पर गुस्सा उतार रहे हैं। हम यहाँ काम करने आते हैं और वो लड़की बहुत ज़रूरतमंद है। मैंने ज़रूरतमंदों की मदद करना छोड़ दी है और कुछ? मैं मजबूर थी हादी, मेरे घर में मेरी अम्मा मेरा भाई मेरा साथ नहीं दे रहे थे, जीना हराम कर दिया था मेरा, और आप नहीं जानते मेरी बेटी की कंडीशन, आप नहीं जानते। मजबूरन मैं अहमद के घर में गई हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि कोमल के हक पे डाका डाल।
या उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना। ऊपर से काम ही मुझे फोर्स किए चला जा रहा था कि मैं आपसे शादी कर। अब इतनी वीक तो नहीं करूं। और ये अहमद बार बार मुझे क्यों कॉल कर रहा था? अहमद चाहता है कि आप कोमल को उसका हिस्सा दें, तभी बार बार कॉल कर रहा था। What? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उस पर भरोसा नहीं करता, और ना ही उस बेवकूफ कोमल पे जिसका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है। कर लूंगा बात में कोमल से, तेरा इख्तियार भी उसी का होगा जिसकी चीज है। पकाएं आप अपने और अपने हस्बैंड के इंटरेस्ट को घर छोड़ के आया करें। आप कोमल को भी ले आती? हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा रुक के सलाम दुआ कर लें। हाय, कितना हरा भरा रहता था ये घर, ऐसे तो देख के वहशत होती है। अभी तो 40वां भी नहीं हुआ, रूहें तड़पती होंगी। आफरीन है आप पे और आपके बच्चों पे। ऐसे हीरा रुक जाती कुछ और दिन, इतनी जल्दी वापस क्यों चली गई? रौनक लगी रहती घर में। खैर, बस अल्लाह करे कोमल को अकल आ जाए। कोमल का अम्मी रिचर्ड? नहीं नहीं, वो नहीं आई। बहन, अगली दफा आप आए तो जरूर कोमल को साथ लाइएगा। जी जी, आप भी तो हमारी तरफ आए ना, अब आती नहीं है कभी। हादी बेटा, तुम भी आया करो ना। जी। अब मुझे जरा डॉक्टर के पास जाना था, बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है ना। वही डॉक्टर ना, बड़े जाने पहचाने डॉक्टर है ना। मैंने भी चेकअप करवाना था, ऐसे करते चाय पी के साथ चलते हैं, क्या ख्याल है आपका? अच्छा अच्छा, ठीक। वैसे मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, कैसे जाएंगे? गाड़ी तो है, ड्राइवर भी है, अर्सला के पास दूसरी गाड़ी। हाँ, दूसरी गाड़ी तो भाई साहब की थी ना, वो तो बर्बाद हो गई। जी नहीं, इंश्योरेंस से वापस आ गई है आज। अच्छा, चले फिर। सिला यही रहेगी या साथ चलेगी? नहीं नहीं, हाँ रहने देते सिला को, अर्सला के साथ वक्त गुजार रही है, हम होके आ जाते हैं वापस, है ना? अच्छा चले चले। हम अम्मी, मैं बस दो मिनट कमरे से होता हूँ। अच्छा है ना, साथ ही चेकअप करवा लेते हैं, आजकल पता नहीं ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। मैं यहाँ आपको ही तो देखने आई थी। क्यों, आप मुझे देखने क्यों आई थी? क्यों, आपको देखना मना है क्या? मुझसे आपका दुख नहीं देखा गया, कई बार आपको फ़ोन किया मगर आपने कोई जवाब भी नहीं दिया। कोमल भाभी को ना आपकी बिल्कुल कदर नहीं है। आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अरे सिला, तुम आज तुम कैसे बगैर बताए आ गई? वो अम्मी को नहीं, इसी इलाके में काम था। आप बताएं, अब ठीक है? सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, वैसे मेरा तो ये ख्वाब था कि ये वक्त आए। कौन सा वक्त? यही कि आप और मैं एक साथ ड्राइव पर होते, और देखिए वो हो गया। प्लीज, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब आप जानते थे कि कोमल भाभी मेरे भाई की बीवी है, तो फिर अपने कायनात भाभी की हेल्प क्यों की? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। वैसे ये तो सियासी गलती हो गई कि आपके अपने आप से नाराज हो गए। मेरे जो अपने मुझसे नाराज हैं वो आपके अपने ही ना हो। मैंने कुछ पूछा है आपसे हादी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे घूम फिर के कहाँ से आए हो तुम दोनों? मैं तो काफ़ी देर पहले आ गई थी, क्या हुआ? बहुत ट्रैफिक था अम्मी बाहर, हादी को भी तकलीफ हुई, मगर इसी बहाने मुझे हादी के साथ ड्राइव पर जाने का मौका मिल गया।
अच्छा चलो, कैसी हो कौन? ठीक हूँ। तुम आ जाती, अर्सला काफी मिस कर रही थी तुम्हें। तो आप उनको भी साथ लाते? कहा था मैंने, लेकिन वो दफ्तर की कुछ मसरूफियत थी और फिर सिला को भी आने की जल्दी थी। हम लोग नई गाड़ी में आए, बहुत अच्छी थी। क्या मतलब? वो चचा की जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इंश्योरेंस ने उन्हें नई गाड़ी भिजवाई है, आज ही आई थी। अच्छा, और आप चल दिए ड्राइव पर, वाह। भाभी ये बस मुझे ड्रॉप करने आए हैं। तुम चुप रहो सिला। क्यों, मैं क्यों चुप रहा हूँ? ये लगते कौन है तुम्हारी? हाँ, और मैं तुमसे बात नहीं कर रही, जाओ तुम अपने कमरे में। सिला, कोमल रिलैक्स। कोमल, हादी से इस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। बदतमीजी मत करो, कितना अच्छा बच्चा है। बेटा बैठो ना, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या चाहती हो तुम कोमल? अपने अब्बू की गाड़ी की चाबी। जितने स्कूल पसंद आप बनते हैं, आपको लगता नहीं है कि आपको बताना चाहिए था कि गाड़ी आ गई? कॉल की थी मैंने तुम्हें बताने के लिए। चाबी, बातें नहीं चाहिए, चाबी चाहिए। क्या हो गया तुम्हें कोमल? घर आए मेहमान से इस तरह बात करते हैं? हादी, मैं तुम्हें छोड़ देती, इस वक्त तुम्हें कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। दिल ने उस पहली मुलाकात उसको छोड़ो खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, तुझे सीने से लगाया था कभी। कैसे तम है कि, कैसे तम है कि, कैसे तम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। कैसे तम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आशा, इज दैट रियली यू? यस। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ। लंदन से कब आई? अभी कुछ दिन पहले। हम क्यों कह रहे हो इस वक्त यहाँ पर? बस यार, I got stuck in a situation, तो बस। तुम्हारी शादी कैसी चल रही है? जिससे शादी करनी थी ना, उसकी शादी कहीं और हो गई। तो बताओ अदनान का क्या हाल है? अदनान? कौन है अदनान? क्या मतलब? उसको तो मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आई। Seriously? Well, that makes the two of us. अच्छा, तो बैठो ना, बैठ कर बात करते हैं। नहीं दाशा, I have to go. लेकिन मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, अभी तो मुझे जाना है। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैं तुम्हें किडनैप करने लगी हूँ। प्लीज बैठो। फिर किसी वक्त दाशा, प्लीज आ जाओ, प्लीज कम। जी, हादी आया था तुम्हारे पास? जी, क्या लगा रखा है? सीधी तरह से बताओ, कहाँ है वो? गाड़ी लेकर आया था, चाबी देकर चला गया। गाड़ी की चाबी क्यों दी? क्योंकि वो गाड़ी मेरे अब्बू की थी। और वो कौन है? तुम्हारे अब्बा का नौकर? तमीज से बात करें आप मुझसे। मैं तुमसे तमीज से बात करूं या तुम मुझसे तमीज से बात करूं? तुम तो सर पे चढ़ रही हो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो जान से मार दूंगी मैं तुम लोगों को, समझी? क्या हुआ? वो अपने घर नहीं पहुंचा।
आप बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी। तो फोन बन जा रहे हैं। तो हादी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, अपनी हद में रहो, वरना मुझे अहमद से बात करनी पड़ेगी। तुम्हारा रिश्ता ही क्या है हादी से? इस पिल्ला वजह बीच में कूदने की आदत है। कोमल, क्या मसला? तुम्हारा हादी के साथ जो भी इशू है, तुम्हें उसकी परवाह नहीं, ठीक है, लेकिन सिला की परवाह करने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हादी मेरे घर से है, तो वो उसको अपने घर का बनाने का इरादा छोड़ती तो उसके लिए बेहतर होगा। नजर आ रहा है कि वो तुम्हारे घर का। आज जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया है, धनी से को कहा होगा, किस हालात में होगा। कोमल, तुम हमारे घर के हालात जानती हो, उसके कितने एहसानात हैं हम पर। हम पर नहीं, आप पर, आप पर हैं एहसानात। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना ज्ञान मेरे सर पर ना थोपें। कोमल, उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत, ऐ मोहब्बत, तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है कि कैसे तुम है के, कैसे तुम है के तेरे हाथ से धोखा खाया, कैसे तुम है के तेरे हाथ से धोखा खाया।